सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन इज अ 5% राइज इन द प्राइस ऑफ एक्स लीड्स टू 20% राइज इन इट्स सप्लाई. अब एक कमोडिटी एक्स के बारे में बात कर रहा है. दो कमोडिटीज हैं यहाँ पे, एक कमोडिटी एक्स है, दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो भी दे रखा है लिख लेते हैं ना, और एक कमोडिटी वाई है. इसका परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन सप्लाई दे रखा है, ठीक है. देन इन विच केस विच कमोडिटी इज मोर इलास्टिक, मोर या लेस इलास्टिक बताने के लिए मुझे उनकी इलास्टिसिटी ले निकालनी पड़ेगी, ठीक है. अगर मुझे बताना है कि ये मोर इलास्टिक कौन सा है या लेस इलास्टिक कौन सा है, तो मुझे इलास्टिसिटी निकालनी पड़ेगी. एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई या क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये फॉर्मूला होता है. तो अब यहाँ पर कमोडिटी एक्स का इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कितना है? 20. परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 5. तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना आ गया? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ गया 4. वैसे ही कमोडिटी वाई का भी मैं इलास्टिसिटी निकाल लेता हूँ, इसका भी इलास्टिसिटी निकाल लेते हैं. ये तो आया कमोडिटी एक्स का. कमोडिटी वाई का इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने के लिए मेरे को एक क्वेश्चन में दे रखा है. देखो क्वेश्चन, इन केस ऑफ गुड वाई 3% राइज इन प्राइस लीड्स टू 9% राइज इन इट सप्लाई. तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई मुझे दे दिया 9 एंड 3 मुझे दे दिया परसेंटेज चेंज इन प्राइस. 3 1 3 3 इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल कर आ गई 3. तो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट. अब हमसे यही तो मांगा है कि इन द गिवन केस विच कमोडिटी इज मोर इलास्टिक, किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, कमोडिटी वाई की ज़्यादा है या कमोडिटी एक्स की ज़्यादा है. तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इन द गिवन केस कमोडिटी एक्स इज मोर इलास्टिक, इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है. इलास्टिसिटी ऑफ एक्स इज क्लियरली ग्रेटर देन द इलास्टिसिटी ऑफ वाई. साफ साफ हमें दिख रहा है कि एक्स की इलास्टिसिटी वाई से ज़्यादा है. 4 is greater than 3. दैट्स वाई इन द गिवन केस कमोडिटी एक्स इज मोर इलास्टिक. ठीक है, थैंक यू.